बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में जोड़ा गया था। दरअसल एनसीबी ने श्रद्धा को सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स लेने पर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि एनसीबी को इसको लेकर कोई खास सबूत नहीं मिला, लेकिन अब जाके शक्ति कपूर के घर में एक और शख्स को पुलिस ने ड्रग्स केस मामले में हवालात में ले लिया है, और ये शख्स और कोई नहीं, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर है। सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने ड्रग्स के सेवन को लेकर हिरासत में लिया है। बीती रात बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली थी, जिसमें उन्हें पता चला कि एमजी रोड पर एक होटल में पार्टी हो रही है और उस पार्टी में ड्रग्स का सेवन होने वाला है। इस जानकारी को नजर रखते हुए पुलिस ने कल रात होटल में छापेमारी कर दी। इस छापेमारी में पुलिस ने नशीली दवाइयों का सेवन को लेकर 35 लोगों के नमूने भेजे थे, जिसमें से एक श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का था। आपको बता दें कि इस टेस्ट में सिद्धांत कपूर का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सिद्धांत के साथ साथ 5 और लोगों का टेस्ट पॉजिटिव निकला है, लेकिन पुलिस अभी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि सिद्धार्थ ने ड्रग्स का सेवन पार्टी में आने से पहले किया या फिर पार्टी के दौरान। लेकिन सिद्धार्थ का ऐसे नाम सामने आना शायद बॉलीवुड की कहीं ना कहीं इमेज खराब करने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ कपूर भी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनमें शामिल है शूट आउट एट वटाला, अगली, हसीना पारकर। सिद्धार्थ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भागम भाग और चुप चुप के जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन सिद्धार्थ का ये दूसरा साइड सामने आना शायद सबको चका गया है। अब आपकी सिद्धार्थ कपूर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड की हर अप टू डेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।